तो सवाल इस बात का है कि युवाओं को मौका ही नहीं दिया जाता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगाने के पीछे हम लोग को डंटा ठहरा दिया जाता है। और रही बात की फीमेल चीफ मिनिस्टर, तो हाँ ये झारखंड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि किसी को भी एज अ वेली वर्चुअल ही, लेकिन किसी को पहली फीमेल CM बनाया गया। और जब पूछते हैं कि आपको क्या राजनीति में आना चाहिए, तो सिंपल बोलते हैं कि आप जाके पढ़िए लिखिए और जाके कुछ दूसरा काम कीजिए, आप राजनीति में क्यों आते हैं? तो 4 दिनों से लगातार जो है आड्रे हाउस में युवा सदन चल रहा है। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं ये युवा सदन की मुख्यमंत्री है सुजाता भारती, और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये नेता प्रतिपक्ष प्रखर विसेन है। तो सबसे पहले सवाल हम नेता प्रतिपक्ष से ही लेंगे कि सदन चलना जो पिछले साल भी वैसे हुआ था, पिछले साल आपने भाग लिया था, इस बार आपने भाग लिया है, क्या मानते हैं इसे कार्यक्रम को लेकर 4 दिनों तक अगर ऐसे युवा सदन चलता है, राजनीति में युवाओं को कितनी भागीदारी लेनी चाहिए? देखिए अगर बात करें युवाओं के राजनीति के आने के, तो सवाल इस बात का है कि युवाओं को मौका ही नहीं दिया जाता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगाने के पीछे हम लोग को डंटा ठहरा दिया जाता है। और जब पूछते हैं कि आपको क्या राजनीति में आना चाहिए, तो सिंपल बोलते हैं कि आप जाके पढ़िए लिखिए और जाके कुछ दूसरा काम कीजिए, आप राजनीति में क्यों आते हैं? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे 1920 के असहयोग आंदोलन हो, चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, इतिहास के हर पन्नों में किताब छात्रों ने छोड़ा और देश के सबसे पहले आगे का नेतृत्व करने का काम किया। छोड़ दीजिए उतना सारी बातों को, भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, वो पढ़ने में सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, टॉपर थे, लेकिन देश की स्थिति खराब हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपना रेस किया और देश को आगे लेकर काम किया। तो हमने छात्रों का काम इस तरह से मुद्दा उठाया, जो युवा सदन, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन्होंने जो युवा सदन काम कर रहे हैं। और झारखंड के काशियो विधानसभा से, जहाँ 11,000 में काशियो विधानसभा नेतृत्व किए हैं, वो आने वाले समय में दिखेगा। और आज नहीं तो कल हम लोग सब एक इसका पार्ट है, बींग पार्ट है। हम लोग जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते थे और अभी हम लोग को मालूम चल पा रहा है। प्रखर ये जानना चाहेंगे कि कौन से विधानसभा से आप विधायक हैं और मुद्दा कैसे उठाते हैं अपने क्षेत्र के, ये जानना चाहेंगे। देखिए मैं चतरा विधानसभा से हूँ, और मुद्दा रहा की बात रहा ना, तो हर चीज़ में आप देख लीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज के वर्तमान पॉलिटिक्स में चल रहा है। हिंदू होकर हिंदू की बातें करना बड़ा आसान है, मुस्लिम होकर मुस्लिम की बातें करना बड़ा आसान है, इंसान होकर इंसान की बातें करना बड़ा ही मुश्किल है। हमें इंसान की भाषा समझना है। आज इंसानियत ख़त्म हो गई। आज देखिए अमेरिका डेवलप हो गया लेकिन अमेरिकियत मर गई, इंग्लैंड डेवलप हो गया लेकिन अंग्रेजियत मर गई, और लेकिन भारत इतना डेवलप नहीं हुआ जितना यहाँ की भारतीयता और सोच में मरते जा रहा है। ये सोच के डेवलप को हमको चेंज करना होगा, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बात बताइए कि जहाँ 65% यूथ और एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा है और फार्मिंग कर रहा है, तो कहाँ है तो देखिए जो सही है गलत है इस पे आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। वी शुड रेज द वॉइस, इट इज़ राइट और व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर अनटिल और अनलेस वी विल नॉट रेज द वॉइस, तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कंट्री, देश का कौन संभालेगा इस बात को? ये सवाल उठाने का बात है। निश्चित रूप से ये प्रखर हैं, और निश्चित रूप जब नाम प्रखर है, प्रखर तरीके से जो है बातों को उठाते हैं और बताया है युवाओं को निश्चित रूप से भागीदारी लेनी चाहिए राजनीति में। दाईं ओर जो देख रहे हैं आप, सुजाता भारती है, 81 जो विधानसभा में जो चुना गया उसके मुख्यमंत्री इन्हीं को चुना गया है। सुजाता जी, मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है राज्य के लिए, वैसे में महिलाओं को ये पद जो है मिला है, क्या मानते हैं महिलाओं को कितने आगे आने की ज़रूरत है, और क्या कुछ जो मुद्दे होते हैं ये रियल मुद्दे आपके ख्याल से नहीं, ये विधानसभा सत्र हो या कहीं भी हो राजनीति हो, रियल मुद्दे दब जाते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें उलझ कर रह जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी होती है नेता होते हैं? आपने सबसे पहले कहा कि एज़ अ फीमेल मिनिस्टर, एज अ फीमेल चीफ मिनिस्टर, हाउज़ माई एक्सपीरियंस, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तो सच में ये काफ़ी बर्डन वाला काम होता है, जो आज तक हम लोग सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं किन किन पॉलिटिशियंस के या किन लीडर्स के क्या वर्क्स होते हैं, उसे आज मैं फील कर रही हूँ। अपोजिशन की सारी रिवोल्ट्स को झेलना, अपनी सारी लीडर्स के फेथ को बनाए रखना, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। और रही बात की फीमेल चीफ मिनिस्टर, तो हाँ ये झारखंड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि किसी को भी एज अ वेली वर्चुअल ही, लेकिन किसी को पहली फीमेल CM बनाया गया। और फीमेल
एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे कभी भी इन फ्यूचर रियल में अगर सीएम बनने का मौका मिले तो मैं सबसे पहला काम अगर कुछ करूँगी तो वह है फीमेल एम्पावरमेंट के लोगों के लेके, क्योंकि बाकी सब जगह फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कई सारे रूल्स नॉर्म सब कुछ तो हैं, लेकिन सच सही मायने में देखा जाए तो वो आज के डेट में ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो कहाँ पाते हैं। आज भी बहुत सारी नहीं हर घर में फीमेल्स को लेके बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती रहती है, लेकिन उन सब को लेके अगर मैं काम करूँगी और उसे मैं अगर एजुकेशन से लिंक करके काम करूँगी तो ये बेनिफिशियल होगा कि एज अ लिटरेट चीफ मिनिस्टर आई हैड डन समथिंग फॉर द फीमेल एंड फॉर द सोसाइटी होल। आज सदन का दूसरा दिन है, क्या कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं? हमारे ख्याल से सामाजिक सुरक्षा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग दो बिल आप लोगों को सदन में दी जा रही है, कैसे सभी विधानसभा के 81 विधायक उस मुद्दे को उठा रहे हैं और आप लोग कैसे जवाब मंत्री परिषद के लोग दे पा रहे हैं? झारखंड युवा सदन एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हर युवा के लिए, जिसमें लोगों को लग रहा है कि सिर्फ दो मुद्दे हैं, दो बिल्स हैं उनके बारे में बात होगी, बट एक्चुअली में हम लोग फील कर रहे हैं कि ये सिर्फ दो मुद्दे नहीं हैं, ये सिर्फ दो बिल्स नहीं हैं, बल्कि हमने अभी तक में जितनी भी हमारी एक्सपीरियंस अभी तक की रही उसमें हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में बात की, झारखंड की माइनिंग कंडीशन के बारे में बात की, पोल्यूशन के बारे में बात की, वुमेन के बारे में बात की, सारी फील्ड्स में हम लोगों ने बात कर चुकी है। अब बात रहती है उन दोनों बिल्स की कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल एंड सोशल सिक्योरिटी बिल्स, तो ये दोनों जो बिल्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लोग बिल्स हमारे सेंटर पे आते हैं, क्या विवाद होते हैं, कैसे होते हैं, कि उसके लिए रूल्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट की आज की कंडीशन क्या हो चुकी है, वहाँ पे क्लैपिंग के बजाय किस किस तरीके से शोर मचाया जाता है सबको पता है, बट ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारी पूरी व्यू को बदल रखा है कि अच्छा पार्लियामेंट ऐसे वे में चलता है, और हम लोगों ने तो मिथ बना के रखी थी कि पार्लियामेंट तो वैसे ही चलता है जैसे हम टीवीज़ पे देखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। प्रखर से जानेंगे, प्रखर से सवाल लेंगे, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते प्रखर क्या कहना चाहेंगे, क्या अपने अंदर फील ले पा रहे हैं? दूसरा दिन सदन का चल रहा है, कैसे मुद्दों को उठाना चाहिए, कैसे बिल पे रिएक्शंस देनी चाहिए, क्या कुछ जवाब होना चाहिए, क्या कुछ सवाल पूछना चाहिए सरकार से इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, अभी विपक्ष की अगर हम बात करें तो देश की स्थिति में हर राज्यों में जो विपक्ष की भूमिका है वो गलत को अगर जैसे उसका दिमाग में बैठ जाता है कि हम जो गलत है उसको सही है उसको भी हम गलत बोलेंगे, लेकिन यहाँ युवा सदन में हम क्या सीख रहे हैं कि मतलब सीख रहे हैं कि और ये शिक्षित एजुकेशन और राजनीति हो रही है, इसमें गलत है तो गलत कहेंगे और सही है तो सही करेंगे, इस चीज़ को अपनाना चाहिए। ये नहीं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई रोड बना हुआ है, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन विपक्ष का नेता अगर गाड़ी से बैठ के जा रहा है उसके नेता अगर बोल दिए कि देखिए रोड कितना अच्छा बैठा हुआ है, तो बोला रोड तो अच्छा बना है लेकिन अलकतरा इसमें ज़्यादा लग गया है, तो कमियाँ खोजना है, खोज रहे हैं उस चीज़ को, तो कमियाँ हर चीज़ में नहीं होती है। तो हम कहेंगे फर्स्टली वी शुड चेंज द मेंटेलिटीज ऑफ द पीपल, अपना मानसिकता को चेंज करना होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, लेकिन वन बाय वन हम देखिए राजनीति हमेशा दो प्रकार की हो रही है अभी वर्तमान समय में। देखिए लोग सिर्फ मुद्दे पे बात करते हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ह्यूमन ट्रैफिक है, लेकिन निवारण पर कौन बात करेगा, कौन करेगा? वी द पीपल ऑफ, लेकिन हमें कहता हूँ पढ़िए आप, अनटिल और अनलेस आप पढ़ेंगे नहीं तो अब तक आप रेज नहीं कर पाएंगे, यदि आप दिमाग में रख लीजिए, और नहीं तो फिर आपका दो ठो पढ़ा हुआ व्यक्ति या फिर थोड़ा सा आपके ज़्यादा हुआ जानकार आपको उसके पीछे चलना होगा और वही जिंदाबाद और मुर्दाबाद की राजनीति करते हुए जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। प्रखर रियल लाइफ में क्या कुछ कर रहे हैं अभी आप? देखिए मैं तो अभी तो राजनीति तो नहीं अभी कर रहा हूँ, तो वर्तमान में अभी LLB कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से मैं LLB कर रहा हूँ। हैविंग कम्प्लीटेड माई LLB आई वॉन्ट टू बिकम एज अ गुड लीडर एंड आई वॉन्ट टू एज अ लीडिंग करना चाहता हूँ इंटायर पूरे झारखंड को या फिर आने वाले सेंट्रल में। मोस्ट थिंग है कि लीडर क्या है, परिभाषा क्या है, लीडर का मतलब परिभाषा क्या होती है? लीडर्स का मतलब ये होता है कि लीड्स द पीपल एवरी कॉर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिकल, इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल, इन रिस्पेक्ट इट में ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज अ पर्सनैलिटी टू लीड एवरीवेयर, प्रत्येक दिशा में लीड करने की क्षमता होनी चाहिए, वैसे व्यक्ति को हम लीडर कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ डिफिनेशन ऑफ लीडर। मीडिया की बात करें तो देखिए एक होता है, एक अभी जो होता है मीडिया में क्या होता है, भारत का चौथा स्तंभ है क्या, मीडिया को लिया गया है, तो जो चौथा स्तंभ लिया गया तो प्रेस की स्वतंत्रता इसको खुल के देना चाहिए ना, लेकिन क्या अगर कोई पत्रकार इस बात को कहता है कि मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ तो यानी इसका मतलब क्या है, वो जरूर किसी का पक्ष ले रहा है। अगर मैं कहूँगा कि मैं ईमानदार नेता हूँ तो जरूर आप कुछ बेईमानी किए तभी आप कहने का नौबत आया ईमानदार, झूठ और सही को सही बोलने का समय आ गया है।
अब राजनीति वैसे नहीं होगी, अब चेंज होगा, युवाओं का थॉट चेंज होने वाला है, समय फिरते दिन नहीं लगता। तो सोना सोना है टीन नहीं हो सकता, और हीरा हीरा है कौड़ी का तीन नहीं हो सकता। तो प्रखर जो है काफ़ी अपने लहजे में कई चीज़ों को बता दिया है। सुजाता भारती से यह जान लेंगे कि रियल लाइफ में सुजाता क्या कर रही है अभी मुख्यमंत्री के अलावा। रियल लाइफ में मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, यूजी में हूँ, लास्ट सेमेस्टर में हूँ, इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। इंग्लिश मेरी हॉबी है और मुझे आगे चल के अगर बात करूँ तो मुझे प्रोफेसर बनना है। राजनीति में नहीं, राजनीति में नहीं, क्योंकि राजनीति में अगर सब चले जाएंगे तो नीचे पढ़ाएगा कौन। तो मुख्यमंत्री तो बना दिया गया है, तो मुख्यमंत्री बना दिया गया तो अभी मैं ऊपर की सिस्टम सेट कर रही हूँ। नीचे वाली जो एजुकेशन वाली सिस्टम है वो तो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक है हर एक चीज़ की, तो उसे बाद में सेट करूँगी, उसके लिए टारगेट है मेरा। क्या कहना चाहेंगे युवा सदन के माध्यम से लोगों को, यूथ को, महिलाओं को, पुरुषों को? युवा सदन के माध्यम से मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे भी पेरेंट्स की यही सोच थी, उन लोगों तक भी ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स सिर्फ ये टाइम पास की चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स सिर्फ ये अब नहीं है। यहाँ आके मैंने जो सीखा है कि पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई काम नहीं मिला तो आप पॉलिटिक्स एज अ ऑप्शन चूज़ करो, पॉलिटिक्स सही मायने में आज वो चीज़ है जिससे आप बाकी प्रोफेशंस की तरह कंपेयर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे आप बाकी सारे सेक्टर्स को सुधार सकते हैं। कौन से विधानसभा से? मैं गिरिडीह से, गिरिडीह कंस्टिट्यूएंसी से हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे साथ जो है युवा सदन की युवा मुख्यमंत्री सुजाता भारती जो गिरिडीह से रहने वाली है, और नेता प्रतिपक्ष प्रखर जो कि कहाँ से रहने वाले हैं? चतरा विधानसभा से हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने कहा है कि जो राजनीति में कम से कम युवाओं को भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर होनी चाहिए, और जब तक युवा जो है दिशा और दशा तय नहीं करेगी हमें नहीं लगता है कि देश सही दिशा में जाएगा। लाइव लगातार के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रांची से मैं लाइव लगातार के लिए कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।